इस वीडियो में हम जानेंगे इब्न सीना के बारे में, उनका तारुफ़, तालीम व तरबियत, शेख बहसियत फ़लसफ़ी, शेख बहसियत तबीब, शेख बहसियत मुसन्निफ़। तारुफ़। इब्न सीना का पूरा नाम अबू अली अल हसीन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना था। यह ईरान के एक मशहूर शहर बुखारा के करीब अफशीना नाम की जगह पर 980 AD में पैदा हुए। इन्होंने फ़ने तिब पर एक किताब अल कानून फ़ी अल तिब लिखी, जो बहुत मशहूर हुई, और मगरिब में इसको लाती नाम अल कानून के नाम से जाना जाता है। मशरिक में इनको शेखुल रईस का लकब से याद किया जाता है। इन्होंने 58 साल की उम्र पाकर बमकाम हमदान वफात पाई। तालीम व तरबियत। शेख के वालिद बल्क और वालिदा अफशीना की रहने वाली थी। उन्होंने जब होश संभाला तो उनके वालिद उन्हें लेकर बुखारा चले गए और उनकी इब्तदाई तालीम बुखारा में ही हुई। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थे। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने कुरान मजीद हिफ्स कर लिया और 16 साल की उम्र में फ़लसफ़ा और तबियात का इल्म हासिल किया और 18 साल की उम्र में उन्होंने इल्म तिब पर कमाल हासिल कर लिया था। शेख को इल्म का इतना शौक़ था कि वो जिस भी शख्स में लियाकत मीन्स एप्टीट्यूड देखते वो उससे इल्म सीख लिया करते थे। जैसे उन्होंने न्यूमरोलॉजी का इल्म एक सब्जी वाले से सीखा। यही वजह है कि वो इल्म तिब के अलावा और भी उलूम का इल्म रखते थे, जैसे मंतिक, फ़लसफ़ा, अखलाकियात, सियासियात, तबियात, कीमिया, रियाजियात वगैरह वगैरह। तिब के ताल्लुक से उनकी शख्सियत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, फ़लसफ़ी, तबीब, मुसन्निफ़। शेख बहसियत फ़लसफ़ी। उन्होंने अपने फ़लसफ़े से तिब को फ़ायदा पहुंचाया। चुनांचे उन्होंने अपनी किताब अल कानून फ़ी अल तिब में तिब के बुनियादी नज़रियात और उसूल को काफ़ी हद तक फ़लसफ़े से पाक करके पेश किया, ताकि तिब को समझने में आसानी हो, और जिसमें उनको कामयाबी मिली और वो किताब हर आम व ख़ास में मकबूल हुई। शेख बहसियत तबीब। शेख ने कम उम्र में ही फ़न तिब में महारत हासिल कर ली और वो मरीज़ों का इलाज भी किया करते थे। एक मरतबा अमीर बुखारा नू इब्न मंसूर एक पेचीदा मर्ज में मुब्तला हो गए। सारे शाही तबीब उनके इलाज में नाकाम रहे तो इब्न सीना को तलब किया गया। फिर उन्होंने बादशाह का इलाज कर दिया। उनकी खिदमात से खुश होकर बादशाह ने उनको शाही तबीब का ओहदा फराहम किया। शेख बहसियत मुसन्निफ़। बहसियत मुसन्निफ़ तिब्बी दुनिया में जो शेख ने इज्जत व अजमत पाई वो किसी और को नसीब नहीं। उनकी माय नास किताब अल कानून फ़ी अल तिब तिब्बी अदब की जान तसव्वुर की जाती है। उन्होंने अपने ज़माने हयात में 200 किताबें लिखी और उसमें से 48 किताबें इल्म तिब पर थीं। शेख की जो तिब्बी किताबें काबिल ज़िक्र हैं वो कुछ इस तरह हैं: अल कानून फ़ी अल तिब, किताबुल शिफा, किताबुल नजा, किताबुल अदबियाए कल्बिया। किताबुल अदबियाए कल्बिया इस लिहाज से अहम है क्योंकि अदबियाए कल्बिया के ताल्लुक से शेख ने जो तहकीक की है उसने शेख को मुहक्किक का दर्जा अता किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।